एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं एक और आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि इसका कलर ऐसा क्यों है। ये मैंने साबुत मूंग दाल लिया है, उसको ओवरनाइट सोक किया है एक कप मूंग दाल को। और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पीस लिया है, मगर इसमें क्या क्या डाला है आप ध्यान से सुनिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। मैंने इसमें 1 इंच अदरक लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, और जो आपको इसका कलर चेंज दिख रहा है ना, ये इसमें मैंने 2 स्लाइस बीटरूट के डालकर पीसा है। तो आप देखिए कितना न्यूट्रिटिव ये हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये लिया है मैंने नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, और ये मैंने चाट मसाला लिया है 1/2 चम्मच। और ये आप देख सकते हैं, 1 मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, 1 टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज बारीक काट लिया है, कुछ हरा धनिया पत्ती है, शिमला मिर्च अगर आपके पास है तो आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए जीरा लिया है हमने, 1/2 चम्मच में जीरा यूज करूंगी, और घी या ऑयल जिसमें भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं इसमें नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा। और अभी ये बहुत थिक है तो इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए पिंक कलर आ गया है। और हम क्या बनाने वाले हैं आज, मूंग दाल के छिलका, मूंग दाल के होल, मूंग दाल के उत्तपम। और ये हम मिक्सी में से पीसा हुआ जो है ये पानी इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमने ये 5 से 10 मिनट रख दिया था, तो आप जरूर इसको एक बार रख दें, यहां टेस्ट करके देख लें नमक कैसा है। तवा हमने गरम कर दिया है और उस पर हल्का सा हमने उसको ग्रीस कर लिया है। और अब हम डाल रहे हैं ये बैटर। आप ऐसे बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है ये। थोड़ा सा उत्तपम जो है वो मोटा होता है, तो थोड़ा हम इसको मोटा ही रखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये फैल गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचती रहें। अब हम ऊपर से डालेंगे इसमें प्याज, कटा प्याज। आप सब्जियां कोई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टमाटर, और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा कटा हरा धनिया ये कलर के लिए। और ये देखिए अब हम इसको हल्का सा ऐसे ऐसे स्पैचुला से प्रेस कर देंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो बाहर ना निकले, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये देखिए आपकी सब्जी जो है वो बाहर नहीं दिखेंगी। और गैस को हमें बिल्कुल धीमा रखना है, ये याद रखिएगा, गैस को बिल्कुल मंदा रखना है क्योंकि ये मोटा है और धीरे धीरे जो है ये पकेगा। तो इसलिए अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा है कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप ऑयल घी जो भी चाहें वो लगाएं। और ये बहुत टेस्टी लगने वाला है, जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको पलटेंगे और ये देखिए कितना सुंदर कलर ये आया है, सिक गया है चारों तरफ से, जालियां आप पास से देख सकते हैं। बस 1/2 घंटा आप पीस के दाल को रख दीजिए। अब हम खुला इसको पकने देंगे, हमने ढका था लेकिन अब हम दूसरी तरफ से इसको खुला पकने देंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है, बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो आइए इसको पलट लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना यमी उत्तपम बनकर तैयार है, और देखिए कितना बढ़िया ये उत्तपम है। तो आएगा ना पसंद आपको, जरूर बनाइएगा। ये मूंग दाल और बीटरूट का उत्तपम आपने पहली बार खाएंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।